खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर मसूद की मौत की खबरें दिखाए जाने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या वाकई मसूद मारा गया है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत के पास। नीरज, खुफिया एजेंसियों को मसूद की मौत की खबरों को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कुछ उनको इनपुट इंटेल कुछ मिल पाया इस पर? हाँ बिल्कुल आदर्श, देखिए जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से खबर आई कल से, तो उसको लेकर अब जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हो गई हैं और वो इस बात का पता करने के लिए जुट गई हैं कि ये खबर क्या वाकई में सही है, क्या वाकई में मसूद अजहर मारा गया है। अगर मारा गया है तो किस तरह से क्या उसकी डेथ हुई है, क्या वो एयर स्ट्राइक में जो भारत ने की थी बालाकोट में उसकी वजह से उसमें मारा गया है, या फिर वो जो वहां के विदेश मंत्री पाकिस्तान के कह रहे थे कि वो काफी बीमार है उसकी वजह से है। साथ ही इस बात का भी पता किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा हो और पाकिस्तान जानबूझ कर ये इस तरह की खबरें फैला रहा हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता हो कि भारत का जो अगला स्ट्राइक होगा वो मसूद अजहर के खिलाफ ही, तो उसे छिपाने के लिए कि भारत दूसरी कोई स्ट्राइक ना कर दे इसलिए ऐसी खबर उड़ा रहा है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसका पता करने में जुट गई है। जी नीरज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, हालांकि खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर अपनी पहुंच के हिसाब से इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए लगी हुई है कि क्या वाकई मसूद अजहर मारा गया